हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो, डेट इज डिस्चार्ज क्या होता है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पाइप हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हमारा हुआ A1 B1, ठीक है। और ये जो पाइप का जो ये सेक्शन हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो गया A2, और यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 हम मान रहे हैं, और ये हमारा फ्लूइड इस यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या हो जाए, क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ फ्लो पे। जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड और जो लिक्विड हमारा यहाँ से एंटर होगा एट सेक्शन वन से, उतने ही अमाउंट यहाँ से बाहर आएगा। ये तो हमें पता है कि जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, वही हमारा डिस्चार्ज होता है, वही हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है। दिस मीन्स हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ पाइप और अ चैनल। पर सेकेंड एक किसी सेक्शन से जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है एट सेक्शन वन, हम इसे मान रहे हैं या सेक्शन वन हम इस पूरे को एलिमेंट को माने। पर सेकेंड जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है और उसी सेकेंड जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर हो रहा है, दैट इज माई डिस्चार्ज। और उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है डिस्चार्ज क्यू। डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं हम, और इज इक्वल टू ए, दैट इज एरिया, इंटू वी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप पर सेकेंड, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कैसा है। ये हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दो टाइप का, एक आता है हमारा अगर हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है, हमारा जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, तब जो हम रेट ऑफ फ्लो लेते हैं वो किसके टर्म में लेते हैं, हम लेते हैं डेट इज वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। अगर हमारा फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल फ्लो है तो जो हम रेट ऑफ फ्लो लेते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वेयर ए इज द एरिया, और लिखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, एंड वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सेक्शन, जो आपने सेक्शन कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया का एम ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड ये भी होता है, लीटर पर सेकेंड ये भी होता है। ये सब हुआ हमारा डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज देगा। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो जानते हैं, क्योंकि कोई भी पूछ देगा नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन बनता है कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो द इक्वेशन, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन, द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमारा, अगर हम फ्लूइड के टर्म में देखें तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ सेक्शन एट 2-2 इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड, कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास ऑफ अमाउंट हमारा फ्लूइड एंटर हुआ है उतना ही बाहर निकलेगा, वो इक्वल होगा जितना बाहर निकला है उसके, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को नॉर्मल टर्म में अगर हम डिफाइन करें या प्रूव करें तो वो ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक पाइप लिया, ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ या पाइप मान लो, जिसका ये जो है ये हमारा क्रॉस सेक्शन 1-1, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसे अच्छे से कर दें, और ये जो सेक्शन है हमारा ये है सेक्शन 2-2, ठीक है। अब ये है हमारा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है इस सेक्शन में, अब यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहाँ से बाहर होगा। इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा A1, और जो वेलोसिटी पर सेकेंड जो हमारा फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है डेट इज V1। सेम टू सेम
इसका एरिया है ए टू और वेलोसिटी जो यहाँ से हो कुछ बड़ा है तो वेलोसिटी जरूर चेंज हुआ होगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी वी टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं ए वन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन वन वन, ए टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन टू वी वन इज द वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एट सेक्शन वन वन, वी टू इज द एवरेज वेलोसिटी एट सेक्शन टू। ठीक है, अब द रेट ऑफ फ्लो, ये तो हमारा हो गया नॉर्मली इसका कैसा फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन फ्लो में हमने यहां बताया। अब जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन वन, एट सेक्शन वन वन पे जो रेट ऑफ फ्लो होगा हमारा क्या हो जाएगा, रो वन ए वन वी वन। अब हमने डेंसिटी क्यों कंसिडर किया, क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी तो कुछ डेंसिटी होगी इसलिए। और रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू विच इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन वन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू टू। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन वन कितना था, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू 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 कितना था, रो टू ए टू वी टू। ठीक है, अब ये तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक्चुअल में यही होता है। अब यहाँ पे अगर फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल हो, अगर फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल हो तो हमने टाइप ऑफ फ्लूइड में क्या पढ़ा था, जब फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो रो किसके इक्वल होगा, क्या रो जीरो के इक्वल, यस। क्या होता है हमारा इनकॉम्प्रेसिबल में, रो क्या होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो डेंसिटी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड जब हमारा होता है। देयरफॉर रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनेगा ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, यहाँ से हमारा बनता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशन के लिए और थ्री डायमेंशन के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।